ये वीडियो टाइलर डर्डन के बारे में है। टाइलर कौन? टाइलर डर्डन मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे खूबसूरत फिलोसोफर है। उन्होंने चलते चलते कुछ कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। टाइलर डर्डन है कौन अंकुर, बताओगे? 24 साल पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, आई रिमेम्बर 21 या 22 साल का था जब मैंने फाइट क्लब पहली बार देखी। ब्रैड पिट था उसमें, तो ब्रैड पिट ना उस जमाने में बड़ा ही कूल डूड हीरो था, एंड देन एडवर्ड नॉर्टन जो एक बहुत ही इंपेकेबल एक्टर है, एंड द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। एडवर्ड नॉर्टन जो नरेटर है मूवी के, उनकी जिंदगी ना बर्बाद है, वही जॉब वही ग्राइंड, जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है, ट्राइंग टू फाइंड एन एस्केप। एंड एक दिन फ्लाइट पे उनको टाइलर डर्डन मिलते हैं जो कि है ब्रैड पिट। वो साबुन बेचते हैं, सोप सेल्समैन, लेकिन चलते चलते दे फॉर्म अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। ये मूवी फाइटिंग के बारे में नहीं है, ये मूवी लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं है, ये मूवी जिंदगी के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं टाइलर डर्डन के कुछ कहे गए डायलॉग्स आपके साथ शेयर करूंगा, विच आई एम श्योर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड लाइफ इन अ बेटर मैनर। हो सके तो ये मूवी जरूर देखिएगा, लेकिन अगर नहीं भी तो इस वीडियो के थ्रू कुछ कुछ झलकियां मिल जाएंगे। नंबर एक, दिस इज योर लाइफ एंड इट्स एंडिंग 1 मिनट एट अ टाइम। ये आपकी जिंदगी है और हर वक्त एक एक मिनट करके ये जिंदगी आपसे जा रही है। दिस इज अ हार्ड हिटिंग डायलॉग, ये स्टोइक फिलोसफी से है। स्टोइक फिलोसफी हमें ये बोलती है कि हमें हमेशा इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारी जिंदगी ना टेम्पररी है, हम कभी भी मर सकते हैं। और अगर हम अपनी मौत को, हमारी डेथ को हमारे सामने रख के उसके इल्म के साथ जिंदगी जिएंगे ना, तो हमारी जिंदगी डरावनी या डर से भरी नहीं, एक्चुअली एक रियलाइजेशन भरी होगी कि हर एक क्षण जरूरी है। वो कहते हैं ना, कल हो ना हो यही मौका है, यही मोमेंट है, ऑल ऑफ दैट इज ट्रू। एंड ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी कोई भी चीज ना छोटी नहीं होती है। हर एक क्षण में आपकी जिंदगी खत्म होती जा रही है, तो हर एक क्षण जरूरी है। उसको कभी भी किसी भी ऐसी चीज पे बर्बाद मत करिए जो आप जिंदगी में नहीं करना चाहते। सेकंड डायलॉग, आई से नेवर बी कंप्लीट, आई से स्टॉप बीइंग परफेक्ट, आई से लेट्स इवॉल्व, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। मैं कहता हूं कंप्लीट मत होइए, मैं कहता हूं परफेक्ट मत होइए, मैं कहता हूं कि हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे, इवॉल्व करते रहेंगे, और जहां भी जो कुछ भी हमें सीखने के लिए मिलेगा हम सीखते रहेंगे। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल वे टू लुक एट लाइफ। हम जिंदगी ना हमेशा परफेक्ट रूप से जीना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि जिंदगी परफेक्ट है। वो परफेक्ट कपड़े, वो परफेक्ट खाना, वो परफेक्ट वेकेशन, वो परफेक्ट स्माइल, वो परफेक्ट सेल्फी, वो परफेक्ट फैमिली, वो परफेक्ट लाइफ, लेकिन कुछ भी परफेक्ट नहीं है। वी वर बॉर्न टू मेक मिस्टेक्स, नॉट फेक परफेक्शन। हमारी जिंदगी का वजूद है कि हम गलतियां करके आगे बढ़े, ना कि परफेक्शन के आड़ में छुपे रहे। दैट इज नॉट सस्टेनेबल। तो गलतियां होंगी, शुरुआत में हर एक इंसान से गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों के आगे ही जीत है, डर के आगे ही जीत है। डोंट ट्राई एंड बी कंप्लीट, डोंट ट्राई एंड बी परफेक्ट, ट्राई एंड इवॉल्व एज मच एज यू कैन। ये डायलॉग शायद इस पूरी मूवी का मेरा फेवरेट डायलॉग है। टाइलर बोलते हैं, द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। वो हर एक चीज जो आप ओन करते हैं ना, एक्चुअली वो चीजें आपको ओन करती हैं। एंड थिंक अबाउट दैट, हमारा वो फोन, हमारी वो घड़ी, हमारी वो गाड़ी, हमारा वो घर, हमारे वो कपड़े, वो हर एक चीज जो हम खरीदते हैं, हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उससे हमारी समाज में एक इज्जत बनेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ इट हम उसी के गुलाम बन के रह जाते हैं, क्योंकि वो एक चीज कभी रुकती नहीं है, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, एंड ये अनलिमिटेड है, ये कभी भी एंड नहीं होगा। The only way to free yourself is to realize कि ये चीजें जरूरी नहीं है जिंदगी जीने के लिए, ये चीजें जरूरी नहीं है खुश रहने के लिए, ये चीजें जरूरी नहीं है जो आपको एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसी नींद देगी जो बहुत खूबसूरत, बहुत मीठी है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स एड अप, बट यू कांट लेट देम ओन यू। विदाउट पेन, विदाउट सैक्रिफाइस, वी वुड हैव नथिंग, लाइक द फर्स्ट मंकी शॉट इन टू स्पेस। बिना दर्द के, बिना सैक्रिफाइस के,
हमारे पास कभी भी कुछ नहीं होगा, जैसे कि वो पहला बंदर जो स्पेस में गया था। स्पेस में पहले बंदर नहीं गया था, बट फिगरेटिवली स्पीकिंग एसेंशियली वो ये कहना चाहते हैं कि बिना गिरे हम कभी उठ नहीं सकते, एंड बिना गिरे हम कभी सीख नहीं सकते। कोई भी माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता है। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, आपकी सबसे ज्यादा सीख तभी होती है जब आप गिर के कुछ रियलाइज करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो गिरने से मत डरिए, दर्द से मत डरिए, पेन से मत डरिए, डरिए तो स्टैग्नेशन से, डरिए कि आप वहीं के वहीं जड़े हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दैट इज द रियल फियर इन लाइफ। एंड टाइलर बहुत खूबसूरती से जिंदगी की ये फिलॉसफी हमारे साथ शेयर करते हैं इन द मूवी फाइट क्लब। नो फियर, नो डिस्ट्रैक्शंस, द एबिलिटी टू लेट दैट विच डज नॉट मैटर ट्रूली स्लाइड। ये इतना ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। थिंक अबाउट दिस, कोई डर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक ऐसा तरीका जिससे जो चीजें मैटर नहीं करती ना, उसको आप स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, रिएक्ट नहीं करने की कोशिश करते हैं। थिंक अबाउट दैट। हमारी जिंदगी में हर रोज हमारे साथ इतनी सारी चीजें होती हैं जो जेन्युइनली कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट करती, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तब भी हर एक चीज पर रिएक्ट करते हैं। उसके साथ एक छोटा सा झगड़ा कर लिया, उसके साथ थोड़ा सा गुस्सा कर लिया, उसके साथ थोड़ा सा अनबन हो गई। एवरी सिंगल थिंग दैट irks us, जो हम रिएक्शन मोड में चले जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोचते हैं कि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस दिन का, उस वक्त का, उस क्षण का, दे आर नॉट ट्रूली इंपॉर्टेंट। इफ यू स्टेप बैक एंड मैं आपसे पूछूं कि पिछले एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए थे, आई गारंटी यू कि उनमें से कोई भी इवेंट वो नहीं होगा जो आपने छोटी छोटी चीजें पकड़कर उसको बड़ा बनाने की कोशिश करी। नो फियर, नो डिस्ट्रैक्शंस, कोई डर नहीं, ध्यान कभी भी भटकेगा नहीं। ऑल दैट यू केयर अबाउट इज क्या ये चीज वाकई में मेरे लिए जरूरी है कि नहीं, एंड इफ नो, लेट इट स्लाइड। मे बी सेल्फ इंप्रूवमेंट इज इन द आंसर, मे बी सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज द आंसर। ये बहुत ही मिस इंटरप्रेट हो सकता है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये डायलॉग ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को हार्म करिए, कि अपने आप को चोट पहुंचाइए, ना। वो ये बोल रहा है कि हर एक इंसान ना इंप्रूवमेंट में फंसा हुआ है। अपने आप को इंप्रूव कर दो, अपने आप को प्रोडक्टिव बना लो, अपने आप को अच्छा बना लो, अपने आप को तेज बना लो, अपने आप को ये बना लो, वो बना लो। वेरी ऑफन उसकी स्टार्ट या बुनियाद होती है हु यू आर करंटली। एंड ये डायलॉग बोलता है दैट मे बी सेल्फ इंप्रूवमेंट इज इन द आंसर, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज द आंसर। इसका मतलब कि जो आप है ना, शायद वही आपको बेटर बनने से रोक रहा है। तो खुद को मार डालिए, नॉट इन प्रैक्टिकल रियल लाइफ, whatever is the personality in your head, जो भी आपके सारे belief system है, जो भी वो हर एक सोच है जो आपको रोक रही है, उसको खत्म कर दीजिए। Destruct yourself and start all over again। अपने आप का जो पूरा वजूद है उसको मिटाकर, हिलाकर एक नया रूप धारण करिए। If you are able to do that, you are able to reinvent yourself and you do it like it's magic। 40 साल की उम्र में जब मैंने अपनी ये पूरी content creation की journey शुरू करी, मोस्ट पीपल वर लाइक क्या कर रहा है, पागल हो गया है, इतने साल का एक्सपीरियंस, इतने साल का स्टार्टअप्स चला दिए हैं, ये डिग्री वो डिग्री, अब ये सब छोड़ के वीडियोस बना रहा है। बट इट टेक्स अ लॉट टू री इमेजिन योर सेल्फ, री इन्वेंट एंड देन सी योर सेल्फ इन अ न्यू लाइट। वही मैंने किया, आप भी कर सकते हैं, हर एक इंसान कर सकता है। मुझ में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है जो आप में नहीं है। बट द की मे बी टू नॉट सेंटर सेल्फ इंप्रूवमेंट, बल्कि अपने आप को आईने में देख के ये पूछने की कोशिश करिए कि जो भी चीज मेरे बिलीव्स मेरे अंदर के मुझे रोक रहे हैं, क्या मैं उनको नष्ट करके आगे बढ़ सकता हूं। एंड फाइनली, इट्स ओनली आफ्टर वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। वो बोलते हैं ना कि जिस इंसान का कोई नहीं है उसे कोई हरा नहीं सकता, जिस इंसान का कोई डर नहीं है उससे कोई जीत नहीं सकता। दैट्स बेसिकली व्हाट द डायलॉग सेज, कि जिस वक्त पे आपको पता चल जाएगा कि आपका कुछ भी नहीं है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। मुझे याद है जब मैंने नियर बाय के सीईओ से रिजाइन किया था इन 2019, मेरी जो रेजिग्नेशन अनाउंसमेंट थी जो मैंने पब्लिकली शेयर करी थी, उसमें लास्ट की दो लाइनें यही थी दैट व्हेन एवरीथिंग इज अनसर्टेन एनीथिंग इज पॉसिबल। जब कुछ भी हो सकता है ना, तो वाकई में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। एंड दैट
टू मी इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ये नहीं कि घोड़े की तरह एक ही तरफ देखते रहो, ना दाएं ना बाएं, पूरी दुनिया को एग्जामिन मत करो, बल्कि हर एक चीज देखो, जो आप हो उसको डिस्ट्रॉय करके एक नया रूप सोचो। इफ यू आर एन इंजीनियर, कैन यू नॉट बिकम अ म्यूजिशियन? इफ यू आर अ सीए, कैन यू नॉट बिकम अ राइटर? इफ यू आर अ डॉक्टर, कैन यू नॉट बिकम अ आर्टिस्ट? एनीथिंग इज पॉसिबल। अपने आप को सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं, मल्टीपल आइडेंटिटीज में देखिए, बिकॉज दैट मे टेल यू व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली नीड और वांट इन लाइफ। टायलर डर्डन एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, वो शायद हमारे वक्त के सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, क्योंकि फिल्मी डायलॉग में चलते फिरते वो जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट उसूल हम सबके साथ शेयर करते हैं। फाइट क्लब, अ मूवी दैट आई वुड हाईली रेकमेंड फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच इट। बहुत सारे OTTs पे अवेलेबल, बहुत सारे तो नहीं, मतलब जिस भी OTT पे अवेलेबल है, प्लीज देखने की कोशिश करिएगा, या कहीं से भी। बट द की इज वॉच इट नॉट फॉर द फैक्ट दैट इट इज अ मूवी, वॉच इट लाइक अ मूवी विच शुड टीच यू समथिंग अबाउट लाइफ, जो शायद आपको अभी तक इतनी हार्ट हिटिंग मैनर में किसी ने नहीं बताया। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड एंजॉयबल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।